अस्सलाम वालेकुम होप यूर आर गुड सो आज हम बात करेंगे एनास्टोमोसिस अराउंड स्कैपुला जो कि आपकी स्टेजेस के लिए भी और आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ टू ड्रा एनास्टोमोसिस अराउंड स्कैपुला तो आपकी बुक में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है तो हम बात करते हैं ईजिली आप किस तरह से ड्रा कर सकते हैं अपने एग्जाम में ठीक है सबसे पहले देखें आपने क्या करना है आपने सबसे पहले एक ट्राइंगल सी बना लेनी है हार्ड शेप्ड ठीक है ये बेसिकली हमारे पास स्कैपुला है और फिर उसके सामने क्या करना है ये आपने एक लाइन दो लगा देनी है वर्टिकल और उनको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देना वन टू थ्री वन टू थ्री और फिर ये नीचे से ठीक है यहाँ तक आपने ड्रॉ कर लेना है सबसे पहले अब हमने क्या करना है ये हमारे पास बेसिकली स्केपुल है अब हमने इधर से एक लाइन सीधी वर्टिकल ड्रा करेंगे लाइक like दिस ये बेसिकली हमारे पास इसने स्कैपुला को डिवाइड कर दिया सुप्रास्पाइन स्पाइन और ये हमारे पास यहाँ पे बन गया एक्रोमियन प्रोसेस ये हमारे पास स्पाइन था ठीक है ये हमारे पास स्कैपुला रेडी हो गई अब हमने क्या करना है ये आपने पढ़ा होगा ये हमारे पास है सब क्लेवेन आर्ट्री उसके तीन पार्ट्स हैं और सब क्लेवेन आर्ट्री कॉन्टीएशन किस होती है एग्जीलरी आर्ट्री की उसके भी हमने तीन पार्ट्स बना देने हैं और फिर बेसिकली जो हमारे पास ब्रेकियल आट्री है ये हमारे पास ब्रेकियल आर्ट्री है ब्रेकिल आर्टरी हमारे पास एक्चुअली कॉन्टीन्यूशन किसकी होती है एग्जिलरी आर्टरी की ठीक है और एग्जीलरी आर्टरी किसकी कॉन्टीएशन है सब क्लेवेन की ये हमने तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लिया अब देखते हैं कि क्या करना है अब सबसे पहले हमने जो अनेस्टोमोसिस है ना स्कैपुला का ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है एक हमारे पास अनेस्टोमोसिस होता है अराउंड द बॉडी ऑफ स्कैपुला एंड सेकंड वन इज दी अराउंड द एक्रोमियन प्रोसेस ठीक है अब सबसे पहले जो बॉडी ऑफ स्कैपुला की बात करते हैं ये है हमारे पास सब क्लेवेन आर्ट्री यहाँ से आपने सबसे पहले एक वाई शेप्ड वाइकल ट्रंक बनाना है ठीक है ये हमारे पास क्या है ट्रंक अब इससे दो ब्रांचेस निकाल देनी है ठीक है फर्स्ट वन यहां से पास कर देंगे आप और दूसरी लाइक like दिस इसके साथ साथ आती जाएगी ये ठीक है ये दो ब्रांचेज निकलती है फर्स्ट पास से हमारे पास थाइडो सर्वाइकल ट्रंक निकला वहां से दो ब्रांचेस निकल रही हैं फर्स्ट वन इज दी सुप्रा स्केपुलर आर्टरी एंड सेकेंड वन ये हमारे पास क्या है डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी ठीक है डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी और ये हमारे पास क्या थी सुप्रा स्केपुलर आर्टरी सुप्रा स्केपुलर आर्टरी ये हमारे पास थायरो सर्वाइकल ट्रंक था सर्वाइकल ठीक हो गया ये हमारे पास हो गया फर्स्ट पार्ट ऑफ सब कलेवन आर्ट्री से ये हमारे पास निकल रही थी अब आपने थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्ट्री से ब्रांच एक पड़ी होगी निकलती थी सब स्कैपुलर आर्ट्री ठीक है ये हमारे पास आ गई सब स्कैपुलर आर्ट्री और उसकी आगे से ब्रांच थी एक हमारे पास सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्ट्री या सर्कम्फ्लैक्स स्कैपुलर ब्रांच ठीक है ये हमने इसी तरह अंदर ले गए तो ये हमारे पास तीन ब्रांचेज आपस में नेस्टोमोस कर गई कौन कौन सी फर्स्ट पार्ट ऑफ सब कलेवन से हमारे पास निकली सुप्रास्केपुलर आर्टरी डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसफर सर्वाइकल आर्टरी और थर्ड पार्ट से हमारे पास निकली थी कौन सी सब सब्सकेपुलर वो हमारे पास सुप्रास्केपुलर थी हमारे पास सब सब्स्कैपुलर आर्टरी थी और उसकी आगे से ब्रांच आ गई सर्कम्फ्लैक्स स्केपुलर सर्कम्फ्लैक्स स्कैपुलर ब्रांच ठीक हो गया ये हमारे पास तीन आर्टरी नेस्टोमोस कर गई अराउंड बॉडी ऑफ स्केपुलर ठीक है नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्रोमियन प्रोसेस में इसमें क्या होगा फर्स्ट पार्ट से ये हमारे पास निकल रही थी कौन सी सुपरा स्केपुलर आर्टरी इसकी एक ब्रांच हमने ले आनी है दैट इज़ एक्रोमियल ब्रांच ऑफ सुपरा स्केपुलर आटरी सेकेंड पार्ट ऑफ एक्जिलरी से आपने पढ़ा होगा एक ब्रांच निकलती है दैट इज थ्रैको एक आर्ट्री है थ्रैको एक आर्ट्री है उसकी एक ब्रांच हमने उस वो हमारे पास आगे फोर ब्रांचेज देती है फर्स्ट वन इज़ दी एक्रोमियल ब्रांच सेकेंड वन इज़ दी पेक्टोरल ब्रांच क्लेविकुलर ब्रांच और दी डेल्टॉय ब्रांच ये आपने ब्रांचेस के नाम मैंशन ही करने सिर्फ ये वाली जो अनेस्टोमोस में टेक पार्ट करी है वो वाली आपने याद रखनी है ये एक्रोमियल ब्रांच आकी किसकी थ्रैको एक्रोमियल आर्टरी ये बेसिकली हमारे पास कौन सी है थुरैको एक्रोमियल आर्टरी थ्रैक्को एक्रोमियल आर्टरी उसकी हमारे पास ब्रांच आ गई एक्रोमियल ब्रांच उसके बाद थर्ड पार्ट से एक तो ये निकली थी इसके अलावा दो ब्रांचेस निकल रही थी दैट इज इंटीरियर सर्कम्फ्लेक्स ह्यूमरल वैसल एंड पोस्टीरियर सर्कोमफ्लेक्स ह्यूमरल वैसल अब ये जो पोस्टीरियर है ना इससे भी एक ब्रांच निकलती है दैट इज एक्रोमियल ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर सर्कम्फ्लेक्स ह्यूमरल वैसल और ये भी हमारे पास इसमें अनेस्टोमोस करेगी तो ये तीन आर्टरीज़ इधर भी एक्रोमियन प्रोसेस के अराउंड भी अनेस्टोमोस कर रही हैं और ये आपका अनैस्टोमोसिस ड्रा हो गया अब मैं एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूँ कि किस तरह से किया सबसे पहले फर्स्ट पार्ट ऑफ़ सब के लिएवन आर्ट्री से थायडो सर्वाइकल ट्रंक निकला थाइडो सर्वाइकल ट्रंक ने फर्दर दो ब्रांचेस दी फर्स्ट वन इज दी सुपरा स्केपुलर आटरी एंड सेकंड वन इज दी डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी बेसिकली ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी थी उसकी एक सुपरफिशियल ब्रांच होती है और एक डीप है तो ये जो सात कॉन्टिन्यू हो रही है ये हमारे पास डीप ब्रांच है ठीक है उसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट से निकल रही थी दैट इज सब स्कैपुलर आर्टरी सब स्कैपुलर आटरी ने एक ब्रांच दी दैट इज सर्कम्फ्लेक्स स्कैपुलर ब्रांच ठीक हो गया ये तीन आर्टरीज अनैस्टोमोस कर गई अब इसी तरह जो हमारे पास एक्रोमियन प्रोसेस था उसमें अब क्या करेगा फर्स्ट पार्ट से हमारे पास कौन सी निकल रही थी सुप्रास्कैपुलर आर्टरी उसने हमारे पास ब्रांच इसमें तीनों एक्रोमियल ब्रांचेज अनैस्टोमोस करेंगी एक्रोमियल ब्रांच ऑफ सुप्रास्कैपुलर आर्टरी एक्रोमियल ब्रांच ऑफ थ्रैको एक आर्ट्री एंड एक्रोमियल ब्रांच ऑफ ये थी एंटीरियर और ये हमारे पास आ गई पोस्टीरियर सर्कम्फ्लेक्स ह्यूमरल वैसल्स ठीक है तो ये वेरियस ब्रांचेस थी जो कि अनेस्टोमोस कर रही थी इसके गिर बाकी इसके अलावा एम सी क्यूज आ जाता है कि बॉडी ऑफ स्कैपुला के अराउंड कौन कौन सी ब्रांचेज एन एस्टोमोस करती हैं तो आपने क्या कहना है फर्स्ट पार्ट ऑफ सब कलेवन आर्ट्री एंड थर्ड पार्ट ऑफ एक्जिलरी आटरी तो वो चार ऑप्शन बना देगा कि फर्स्ट पार्ट ऑफ सब कलेवन एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्जिलरी तो इस तरह वेरियस ऑप्शन बना सकता है तो इसमें क्या होगा फर्स्ट पार्ट ऑफ सब कलेवन एंड थर्ड पार्ट ऑफ एक्जिलरी थर्ड पार्ट ऑफ एक्जिलरी से ये ब्रांच नहीं करी थी ठीक है और हमारे पास एक्रोमियन प्रोसेस के अराउंड अगर देखें तो फर्स्ट पार्ट ऑफ सब क्लेवन एंड सेकेंड एंड थर्ड पार्ट ऑफ एक्जिलरी आर्ट्री ठीक है तो आपने ये याद रखना है बाकी कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए कोई भी मसला हो तो आप पूछ सकते हैं थैंक यू सो मच